दोस्तों जेड प्लांट के जो लवर है उनके सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे मिल रहे हैं, वो एक ही कमेंट है कि हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिर रही है। तो चलिए मेरे जो हैंगिंग पोट में प्लांट लगे हुए जेड प्लांट वो दिखा देता हूँ आपको। ये एकदम ग्रीन स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। चलिए नीचे का दृश्य दिखा देता हूँ। अभी मेरा है वो एकदम प्लेन है। जैसे ही इन प्लांटों को मैं हिलाऊंगा दोस्तों, नीचे जो पत्तियां हैं सूखी हुई उनका ढेर लग रहा है, ये आप दृश्य देख पा रहे हो। दोस्तों गर्मी का सीजन है, ये चीज़ नॉर्मल है। जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली होकर सूखेगी और नई पत्तियां हैं, नई ग्रोथ है, वो स्टार्ट होगी। और दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे प्रांतों में रहते हैं तो जहां लू चल रही है तो वहां ये समस्या ज़्यादा आ सकती है। मैं भी राजस्थान में हूँ और मेरे प्लांट की जो पत्तियाँ वो इलाके में आपको दिखा रहा हूँ, सूखी हुई पत्तियां हैं वो सब की सब नीचे गिर रही है और जो नई ग्रोथ है सिर्फ वही पत्तियां बची हुई है। उसके अलावा जितनी भी लास्ट ईयर की पत्तियां थी वो सब की सब जल के सूख चुकी है। पूरा का पूरा प्लांट है वो एकदम बुशी था कुछ दिन पहले, अभी एकदम आपको खाली खाली नज़र आ रहा है। और गर्मी को देखते हुए दोस्तों NPK 19:19 की जो मैं स्प्रे करता हूँ वो भी कुछ दिन से मैंने बंद कर रखी है। अब हमें इन प्लांटों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, सुबह शाम आप पानी का स्प्रे है, खाली सिर्फ और सिर्फ पानी वो दीजिए ताकि आपके जो प्लांट है उनमें नमी बनी रहे और जो सूखने की प्रक्रिया है ज़्यादा गर्मी के कारण वो थोड़ी बची रहे। मैंने अपनी सभी प्लांट को हिला दिया है और नीचे का दृश्य आप देख रहे हो, कितनी ज़्यादा सूखी हुई लीव्स है वो नज़र आनी स्टार्ट हो गई है। इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए सिर्फ पानी का जो स्प्रे है वही आपके प्लांट को स्वस्थ बनाए रखेगा। तो सुबह शाम अपने प्लांट को फवारा दीजिए, यही एकमात्र इलाज है, इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है इस प्रकृति के आगे। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।